देश से मानसून अब अलविदा कहने वाला है। जाते हुए मानसून के चलते कई जगहों पर अभी भी हल्की बारिश देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली की बात करी तो दिल्ली में भी अब बारिश होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून यहां से औपचारिक विदाई ले सकता है। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में भी कमी आने लगेगी, हवाएं कमजोर होती जाएंगी, साथ ही उनकी दिशा में भी बदलाव आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजधानी में 2 साल बाद सितंबर में 100 मिलीमीटर से भी कम बरसात हुई है। अब तक दिल्ली में 82.7 मिलीमीटर बरसात हुई है, यह सामान्य से 32% कम है। इससे पूर्व 2022 में 164.5 मिलीमीटर और 2021 में 413.3 मिलीमीटर बरसात हुई थी। वहीं 2020 में महज 20.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी मानसून अब विदाई लेने के लिए तैयार है। धीरे धीरे पूरे यूपी में बारिश कम हो रही है। वहीं यूपी के कई इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, तेज धूप भी निकलती है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के ज्यादातर जिलों में आज 28 सितंबर को मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के बौछारें पड़ सकती है। उत्तराखंड के मौसम का हाल बता दें, उत्तराखंड में भी अब मौसम साफ हो गया है। लगातार हुई बारिश ने जो तबाही मचाई है उससे परेशान जनता को अब राहत मिली है। गुरुवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और इसी के साथ ही तापमान भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के सभी जिलों में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। अब मानसून की विदाई का दौर चल रहा है। राजस्थान से मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में भी मानसून कमजोर पड़ने लगा है। पिछले दिनों प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, लेकिन अधिकतर जगह पर चटक धूप खिली हुई थी। 30 सितंबर को भी पश्चिमी यूपी में बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस दौरान पूर्वी हिस्से में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 1-2 जगहों पर बादल गरजने के साथ साथ बिजली गिरने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो अगले महीने की 1 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। इस दौरान पश्चिमी यूपी में 1-2 जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इस अवधि में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी के 1-2 स्थान पर बादल गरजने के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 2 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी की तुलना में पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश होने के आसार है। इस दौरान पूर्वी यूपी में 1-2 जगह पर बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा 3 अक्टूबर को भी पूर्वी यूपी में ठीक ठाक बारिश होने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।